नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शासन का रोको टोको अभियान के तहत 20 रुपए का चालान काट के मास्क दिए जा रहे हैं। बिना मास्क चालानी कार्रवाई की जा रही है। तहसीलदार पंकज जवेम, नगर पालिका टीम सुजालपुर और पुलिस मौजूद रहे हैं। सुजालपुर से मोहम्मद नसीब की रिपोर्ट। रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुनः कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी प्रकार से हमारे क्षेत्र में भी मामलों में बढ़ोतरी दिखाई दी है, जिसके चलते शासन स्तर से और जिला स्तर से हमको निर्देश मिले हैं कि चालानी कार्रवाई करके लोगों को जागरूक करें और उन्हें प्रेरित करें कि वो दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। प्रावधान क्या चालान करे जा रहे हैं? जी, चालान के रूप में इनसे मात्र जो है अपना ये मास्क का शुल्क वसूल किया जा रहा है। 20 रुपये का चालान काट रहे हैं। अच्छा। और उनको ये निर्देशित अब कर रहे हैं कि आगे अगर इसी प्रकार की स्थिति रही तो अब 100 रुपये और 200 रुपये के चालान भी काटे जाएंगे। अच्छा, मेरा संदेश सभी से यही है कि कृपया करके मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।